पे ध्यान दें, ये देखिए अनसॉल्व पेपर है। अब इसमें 2019 एक पेपर पर हम लोग थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं कि मैट्रिक्स का कितने नंबर का सवाल आपकी बोर्ड परीक्षा में आएगा। तो मैं बताऊं आपको, देखिए एक क्वेश्चन आया है x प्लस वाई का वैल्यू मैट्रिक्स के रूप में दिया है, x माइनस वाई की वैल्यू मैट्रिक्स के रूप में। ये पिछले चैप्टर में यह क्वेश्चन आप कर चुके हैं, एक नंबर का आया हुआ है x और y की वैल्यू निकालने। तो एक ये हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर चार में ए दिया हुआ है, दो गुणे दो का स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसका इन्वर्स निकालना। ये दो नंबर का, दो और एक मिलके तीन नंबर हो गया। इसके बाद आप देखेंगे ये क्वेश्चन हम लोगों को करना भी है क्योंकि ये ट्रांसपोज पर डिपेंड है। तो 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया जो ट्रांसपोज पर है। इसमें दिया है कि यदि ए इज इक्वल टू माइनस टू फोर फाइव एंड बी इज इक्वल टू वन थ्री माइनस सिक्स, तो आपको दिखाना है ए बी, तो दिखाइए ए बी डैश इज इक्वल टू बी डैश इंटू ए डैश। अब इस तरह का क्वेश्चन हमने बताया है और ये फाइव नंबर का क्वेश्चन है। तो आपने देखा तीन पहले हो चुका था, पांच ये हो गया, आठ नंबर हो गया। इसके बाद सेवन का ख पार्ट में आपका जो क्वेश्चन इनवर्स निकालने के लिए दिया गया ये आठ नंबर का है। तो आठ और आठ मिलके कितने नंबर हो गए, सोलह नंबर का क्वेश्चन आपका मैट्रिक्स से हो गया। अभी और देखते हैं आगे भी। हाँ तो ठीक है, इसमें सोलह नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ, तो आप इसे समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो अभी तो हम लोग ट्रांसपोज तक पहुंचे हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो इस क्वेश्चन को जो लोग समझदार होंगे तब कर चुके होंगे। फिलहाल मैं आपको बता भी रहा हूँ। तो मैंने क्या बताया था, सबसे पहले ए बी निकाल लेते हैं। ए बी निकालने के लिए देखो माइनस दो चार पाँच और ये है आपका एक तीन माइनस छः, मल्टीप्लाई करेंगे आप तो देखो क्या बन जाता है, माइनस दो माइनस छः और बारह, चार बारह माइनस चौबीस, पाँच पंद्रह यानी फिफ्टीन एंड माइनस थर्टी, ये बन गया। अब ए बी का डैश हम कर लेंगे, तो जब डैश कर लेंगे तो माइनस टू माइनस सिक्स ट्वेल्व, फोर ट्वेल्व माइनस ट्वेंटी फोर एंड फाइव फिफ्टीन एंड माइनस थर्टी। इसके बाद हम यहाँ से बी डैश की वैल्यू निकाल देंगे। तो यहाँ से बी डैश अगर हम निकालते हैं तो आप देखो ये बी डैश आ जाएगा वन थ्री माइनस सिक्स, आपको पता है। यहाँ से ए डैश अगर हम निकाल लेते हैं तो आपको भी पता कि माइनस टू फोर फाइव आ जाएगा। अब बी ए डैश अगर हम कर लेते हैं बी डैश इंटू ए डैश, तो बी डैश की वैल्यू वन थ्री माइनस सिक्स और ए डैश की वैल्यू है माइनस टू फोर फाइव। चलिए भाई, तो ये हुआ माइनस टू फोर फाइव माइनस सिक्स ट्वेल्व एंड फिफ्टीन एंड प्लस ट्वेल्व एंड माइनस ट्वेंटी फोर एंड माइनस थर्टी। इक्वेशन नंबर सेकेंड एंड इक्वेशन नंबर फर्स्ट आप देख पा रहे हैं दोनों हमारे समझ से इक्वल है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी हैव ए बी होल डैश इज इक्वल टू बी डैश इंटू ए डैश, यही प्रूव करना था और इतने ही में पांच नंबर आपको मिल जाता है। तो इस तरह से इसको आप उतारना, फिर अगला क्वेश्चन हम बताते हैं। तो अब इसमें ध्यान ना, अभी 2019 के क्वेश्चन हम लोग देख रहे थे एक सेट में, जिसमें आपको हमने एनालिसिस करके बताया कि 16 नंबर तक के क्वेश्चन मैट्रिक्स के पूछे गए। उसके बाद फिर दूसरा सेट हमने देखा तो उसमें ये क्वेश्चन मिला 2019 का है, लेकिन ये एक ऐसा क्वेश्चन है, ये पैटर्न है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है तमाम कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए, जी यूपीटीयू इन सब के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये हमने बताया कि पैटर्न है और ये इस तरह से क्वेश्चन इस पर बन सकते हैं कि इफ ए इज इक्वल टू कॉस थीटा साइन थीटा
एंड माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर? ऑप्शन ए कॉस टू थीटा साइन टू थीटा माइनस साइन टू थीटा एंड कॉस टू थीटा, बी टू कॉस थीटा टू साइन थीटा माइनस टू साइन थीटा एंड टू कॉस थीटा, सी माइनस कॉस टू थीटा माइनस साइन टू थीटा एंड टू साइन थीटा एंड टू कॉस थीटा एंड डी नन। इस तरह के क्वेश्चन अगर मिल जाता है तो ये जो पैटर्न है इसी से इसका आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे पावर एन है, यहाँ पे एन आया हुआ है, यहाँ पे पावर टू है, तो सेम एक ही वैल्यू होगी लेकिन यहाँ पे थीटा के साथ टू आ जाएगा, यानी ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। तो बिना सॉल्व किए ही इसका आंसर पता चल गया। फिलहाल इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम लोग ए स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे। ए स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए इंटू ए। अब देखिए ए इंटू ए मतलब क्या हुआ, कॉस थीटा साइन थीटा एंड माइनस साइन थीटा कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा साइन थीटा एंड माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, मल्टीप्लाई करेंगे इसका इसमें हुआ तो ये बन गया कॉस स्क्वायर थीटा, फिर इसका इसमें हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फिर इसके बाद इसका इसमें होगा कॉस थीटा साइन थीटा एंड प्लस फिर इसका इसमें होगा तो फिर से साइन थीटा कॉस थीटा, फिर इसके बाद इसका इसमें होगा तो माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, फिर इसका इसमें होगा फिर माइनस आ गया कॉस थीटा साइन थीटा, फिर इसका इसमें होगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फिर इसका इसमें होगा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। फार्मूला आपको अच्छी तरह से पता है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस टू थीटा, और ये साइन थीटा कॉस थीटा दो बार आ गया तो ये बन गया आपका टू साइन थीटा कॉस थीटा। इसी तरह से ये बन गया माइनस के साथ टू साइन थीटा कॉस थीटा एंड टू साइन थीटा कॉस थीटा रिटर्न एज साइन टू थीटा। इसी तरह से ये माइनस टू साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा तो ये माइनस साइन ऑफ टू थीटा बन जाएगा, और ये बन जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी कॉस टू थीटा। ऐसे बन गया आपका ये वैल्यू है ए स्क्वायर का। इसी तरह से हम निकाल सकेंगे ए क्यूब की वैल्यू। ए क्यूब की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो यहाँ पर थ्री थीटा आ जाएगा, यहाँ पर थ्री थीटा हो जाएगा, यहाँ पर माइनस साइन थ्री थीटा हो जाएगा, यहाँ पर कॉस थ्री थीटा हो जाएगा। इसी तरह से आगे हम बढ़ते जाएंगे और जब ए टू द पावर एन निकालेंगे तो इसकी भी वैल्यू हो जाएगी कॉस एन थीटा साइन एन थीटा। पैटर्न से आप देख सकेंगे ए टू द पावर एन की वैल्यू हम लिख सकते हैं इस तरह से कॉस एन थीटा। तो ये हमने बता दिया कि ये पैटर्न है, इससे बहुत सारे वैल्यू हम निकाल सकते हैं जैसे स्क्वायर ए क्यूब, लेकिन आपको यह दिमाग में रखना पड़ेगा कि यह मैट्रिक्स इस तरह से है, ठीक है। इसी तरह से कुछ और भी जो ट्रिक वाले क्वेश्चन हैं जिनको सॉल्व किए बिना भी आंसर आप बता सकते हैं, कुछ और क्वेश्चन हम आपको बताते हैं। ध्यान दें, तो जो मैं कह रहा था कि कुछ और ट्रिक हम बताएं जो कंप्यूटर ट्यूशन वगैरह में पूछे जाते हैं कुछ क्वेश्चन इस तरह के, जैसे कि ये पूछा जाए कि ए इज इक्वल टू दिस, तो ए टू द पावर 2021 की वैल्यू क्या हो। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं सीधे सीधे यह पैटर्न है, लेकिन इसे ध्यान में रखना 1101 इस पर पावर अगर एन कर दिया जाए तो यहाँ पे एन हो जाता है, बाकी सब सेम हो जाता है। इसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो इसे मिला लीजिए तो यहाँ पर आप जाएंगे तो ये वाला इसका आंसर बन जाता है। तो बिना कुछ किए ही
तुरंत आंसर आपको मिल जाता है। इसी तरह से आप देखें, ये जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे बना रखा है, तो इसको देखिए, यहाँ पे ए की वैल्यू दिया हुआ है 1111, तो ए टू द पावर एन हो जाता है 2 to the power n-1, 2 to the power n-1 ऐसे करके। और अगर ये 3×3 की मैट्रिक्स है तो ये 3×n-1 हो जाएगा। इसी तरह से अगर ये 4×4 की मैट्रिक्स अगर होगी तब ये हो जाएगा 4×n-1। अब आप यहाँ पे आइए, तो यह जो मैट्रिक्स है 4×4 की है, ठीक है। तो पैटर्न के हिसाब से, तो जब ये मैट्रिक्स 3×3 की थी तो आपने देखा 3×n-1 हो गया। जब ये मैट्रिक्स 2×2 की थी तो यहाँ पे 2×n-1 हो गया। तो जब ये मैट्रिक्स 4×4 की है तो 4×n-1 हो जाएगा, और n के जगह पे ये है 5 and 5-1, दिस इज 4, यानी 4×4, 4×4 दैट मींस 256। अब 256 हर जगह पे आ जाएगा, 256 आप कॉमन ले लेंगे तो वहां पे ये 111 बच जाएगा, यानी ये आ जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन अगर आप वैसे देखें तो काफी बड़ा, लेकिन सीधे आंसर पैटर्न से आप बता सकेंगे। अब आइए यहाँ पे इसे हम सिद्ध करके देखते हैं, इसको करते हैं इसका। तो सबसे पहले हम लोग ए स्क्वायर निकालेंगे, तो ए इंटू ए हो जाएगा। ए इंटू ए जब करेंगे तो 1101 फिर से हो गया 1101 और पावर 2, सॉरी। तो अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए, इसका इसमें हुआ 1 हो गया और इसका 0 में हुआ, तो 1+0 1 ही हुआ। चलिए मैं लिख देता हूँ एक पूरा 1×1 1 and 1×0 0, फिर 1×1 1 and +1×1 1, फिर 0×1 0 and +1×0 0, एंड 0×1 0 and +1×1 1, एंड दिस इज 1 2 and 0 1। एक और हम निकाल लेते हैं, ए क्यूब अगर हम निकालते हैं तो ए स्क्वायर इंटू ए हो जाएगा। अब ए स्क्वायर के जगह पर 1 2 and 0 1 लिख सकते हैं, और ए के जगह पर फिर 1 1 0 1 मल्टीप्लाई करते हैं। अब हम सीधे लिखेंगे 1×1 1 and 2×0, दिस इज 1, एंड 1×1 1 and 2×1 1+2, दिस इज 3, एंड 0 and +0 0, एंड 0 and +1, दिस इज 1। तो आपने क्या देखा कि जब ए पावर 2 है तो यहाँ पे 2 आया, बाकी सब सेम है। ए पे पावर 3 है तो यहाँ पे 3 आ गया, इसी तरह से ए पे पावर 4 होगा तो 4 आ जाएगा, क्लियर। और ऐसे ही अगर हम करते हैं तो e^n अगर हम कर लेते हैं तो 1n0 1 हो जाएगा, ये सिद्ध हो गया। इसी तरह से अब इस पैटर्न को देखेंगे हम लोग, और इसका क्वेश्चन तो आपने देख लिया, अब आइए इस पैटर्न को हम लोग सीखते हैं। ये आपने आपको उतार लीजिए इसको, इस पैटर्न को हम लोग देखते हैं, इसको सिद्ध करके ध्यान देंगे इसमें। सबसे पहले फिर वैसे ही हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर निकालेंगे, ए स्क्वायर का मतलब ए टू ए हो जाएगा, 1 1 1 1, ठीक है, फिर से 1 1 1 1, आप देखेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मैं लिखूंगा तो 1×1 1 एंड प्लस 1×1, दिस इज 1, एंड 1×1, ठीक है भाई, 1 and 1×1, दिस इज आल्सो 1, एंड 1×1, दिस इज 1 एंड प्लस 1×1, इसी तरह से आगे 1×1। अब आपके पास आया 2 2 2 and 2, क्लियर हो गया भाई। ऐसे ही जब हम 1/3 निकालेंगे, ए स्क्वायर इंटू ए कर लेते हैं, अब ए स्क्वायर के जगह पे 2 2 2 2 ऐसे लिखेंगे, और उसके बाद आप क्या करेंगे 1 1 1 1 लिख लेंगे। आगे बढ़ते हैं, फिर आपने क्या देखा, 2×1 and +2×1, दिस इज 4, एंड 2×1 and +2×1, दिस इज आल्सो 4, 2×1 2 and +2, दिस इज 4 and 4। फिर आगे हम बढ़ें, इसी तरह से अगर हम e^n की वैल्यू निकाल लेते हैं तब देखो, अब इसमें थोड़ा सा हम देखें कि कैसे लिखा गया, दिस इज 2×1 and 2×1 and 2×1 and 2×1, दिस कैन बी रिटन एज 2×2 and 2×2 2×2 2×2 2×2, देन वी हैव e^n इज इक्वल टू, हम इसकी सिमेट्री को पहचानने की कोशिश करते हैं। आप देखें,
जब यहाँ पे पावर टू है तो यहाँ पे पावर वन है यानी दो से एक कम, जब यहाँ पे पावर थ्री है तो यहाँ पे पावर टू है, जब यहाँ पे पावर फोर होगा तो वहां पे पावर थ्री होगा, जब यहाँ पे पावर एन है तो वहां पे पावर क्या हो जाएगा एन माइनस वन, यानी टू टू दी पावर एन माइनस वन, टू टू दी पावर एन माइनस वन, टू टू दी पावर एन माइनस वन एंड टू टू दी पावर एन माइनस वन, इस तरह से हो जाएगा। तो आप देखें कि जो मैथमेटिक्स है, आप देखें कितना सिस्टमेटिक होता है, लेकिन थोड़ा सा उसमें लगने की ज़रूरत होती है, इसमें प्रैक्टिस और परिश्रम, ये दो चीज़ें मैथमेटिक्स के लिए ज़्यादा मायने रखती हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें ऐसे मिल जाती हैं जो देखने से एकदम जादू ही लगती हैं। एक बड़ा कैलकुलेशन पैटर्न से जब आप देखने की कोशिश करेंगे तो बहुत ही छोटा और बहुत ही सिंपल हो जाएगा और तुरंत आंसर उसका मिल जाएगा। इसको जल्दी से करें और फिर एक जेई का क्वेश्चन हम बता रहे हैं जो इस पर कहीं ना कहीं इस पर डिपेंड है। अब देखा ये क्वेश्चन 2005 में जेई में पूछा गया, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। वैसे अगर आप देखेंगे हल्के ढंग से तो आपको लगे थोड़ा सा टफ लगने लगेगा और फिर सवाल नहीं कर पाएंगे, लेकिन ध्यान देना है अभी कैसे कैसे ये क्वेश्चन होना है। सबसे पहले क्यू की वैल्यू ये दी गई है, यहाँ पर जरा देखें आप, ये है पी ए और पी ट्रांसपोज, इस पर ध्यान देना है। तो इसमें पी इंटू पी ट्रांसपोज की वैल्यू हम लोग निकालने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, पी इंटू पी ट्रांसपोज दिस इज इक्वल टू, पी की वैल्यू यहाँ लिखा हुआ है रूट थ्री बाई टू वन बाई टू माइनस वन बाई टू रूट थ्री बाई टू इंटू, अब इसका ट्रांसपोज रूट थ्री बाई टू वन बाई टू माइनस वन बाई टू और रूट थ्री बाई टू मल्टीप्लाई होगा दिस इंटू दिस, तो ये आपका आ गया थ्री अपॉन फोर, इसका इसमें हो जाएगा प्लस वन अपॉन फोर, फिर इसका इसमें हो जाएगा तो ये आपका आ गया माइनस रूट थ्री बाई फोर, फिर इसका इसमें आ जाएगा तो प्लस रूट थ्री बाई फोर, इसी तरह से इसका इसमें हो जाएगा तो माइनस रूट थ्री अपॉन फोर, फिर इसका इसमें हो जाएगा तो ये प्लस रूट थ्री अपॉन फोर, और जब इसका इसमें हो जाएगा तो वन अपॉन फोर, प्लस इसका इसमें जब हो जाएगा थ्री अपॉन फोर। आप इसे ध्यान से देखेंगे तो ये आपका 4 बाई फोर यानी 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, फिर ये 0 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, और आपको पता है कि यह आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। मतलब ये हुआ, अब हम क्या करते हैं क्यू स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं। आपको हमें पता चल गया p इंटू p ट्रांसपोज यहां पर इस कंडीशन में आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब हम क्यू स्क्वायर निकालेंगे, क्योंकि यहाँ देखें क्यू टू दी पावर 2005 है, तो पहले हम क्यू स्क्वायर निकालना, कुछ पैटर्न हमें पता चलेगा। तो देखो क्यू स्क्वायर का मतलब क्यू इंटू क्यू, क्यू की ये वैल्यू है पी ए पी एंड टू दी पावर टी मतलब ट्रांसपोज एंड पी ए पी एंड पी ट्रांसपोज। आप इसको देखेंगे ध्यान से तो ये किसके बराबर हो रहा, दो बार ये आ गया, तो अब देखें ए और ए मिलके ए स्क्वायर बन जाता है, और उसके बाद पी इंटू पी ट्रांसपोज हमने ले लिया और बाकी बच गया हमारे पास पी इंटू पी ट्रांसपोज। पी इंटू पी ट्रांसपोज जब हमने अलग कर लिया तो देखो ये बन गया, इसी पैटर्न में आ गया p a टू दी पावर 2 और p ट्रांसपोज और इसकी वैल्यू हो गई i। अब एक चीज ध्यान में रखिएगा, कोई भी मैट्रिक्स हो a, उसमें आइडेंटिटी का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी वैल्यू उतने ही रह जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हमने q स्क्वायर की वैल्यू निकाली है तो p a पर दो घात आया और p ट्रांसपोज आया। अब इसी तरह से अगर हम q पर तीन घात निकालेंगे तो हमें मिलेगा p ए पे तीन घात पी ट्रांसपोज। इसी तरह से अगर हम क्यू पर
2005 घात अगर निकालेंगे तब हमको क्या मिलेगा, पी ए पर 2005 घात और पी ट्रांसपोज ये हमको मिल जाएगा। अब हम यहां देखते हैं, ध्यान दीजिए, हमें निकालना क्या था, किसकी वैल्यू, ये है पी और क्यू टू दी पावर 2005 एंड पी ट्रांसपोज, हमें इसकी वैल्यू निकालनी थी। तो दिस इज इक्वल टू पी हमने लिख दिया, अब क्यू टू दी पावर 2005 की वैल्यू हम ये लिखने वाले हैं, तो फिर हम लिखेंगे पी, ठीक है, हम लिख दे पी, इसके बाद ए टू दी पावर 2005 और पी ट्रांसपोज, और उसके बाद हमें क्या लिखना था, ये तो हमने यहां से लिख दिया, और लास्ट में लिखना था फिर पी ट्रांसपोज, ठीक है, थोड़ा सा इसको हम थोड़ा व्यवस्थित कर दें, जिससे हम पी ट्रांसपोज को पहले लिख देते हैं और ए टू दी पावर 2005 और लास्ट में हम ये लिख देते हैं पी। तो अब ये पैटर्न यहाँ भी हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे चेंज करने से थोड़ा सा कैलकुलेशन छोटा हो जाएगा। तो ये देखो पी ट्रांसपोज, अब हम ये पी हमने लिख दिया, अब पी ट्रांसपोज की वैल्यू, अब हम यहाँ पे क्यू टू दी पावर 2005 की वैल्यू लिखेंगे, तो सबसे पहले आ गया पी ट्रांसपोज, फिर आया ए टू दी पावर 2005, फिर आया पी, और यहाँ वाला ये है पी ट्रांसपोज, यहाँ देखो पी ट्रांसपोज इंटू पी, पी इंटू पी ट्रांसपोज, दिस इज आई एंड ए टू दी पावर 2005 एंड दिस इज आल्सो आई। अब क्या हुआ, कुल मिला के हमें मिल गया ए टू दी पावर 2005। अब इसके पहले जो पैटर्न अभी हमने बताया था उसको अब यहां देखो, हमने बताया था कि अगर ए इज इक्वल टू 1101 है तो ए टू दी पावर एन इज इक्वल टू होता है 1101, अभी जस्ट इसके पहले मैंने बताया। तो अब यहां पे ए टू दी पावर 2005 हमारे पास बचा हुआ है केवल, इस पैटर्न के हिसाब से ये हुआ 1 और 2005 और ये हुआ 0 और ये हुआ 1। अब यहां से आंसर आप ढूंढ लीजिए, तो यहां से अब ये जो ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी है उस पर भी डिपेंड करता है ये क्वेश्चन, लेकिन वो पैटर्न जो मैंने बताया था यहां पे तुरंत काम कर गया, जल्दी से आपको आंसर मिल गया, तो आप देख पा रहे हैं कि आंसर आपका ये वाला हो गया। इसी तरह से और भी क्वेश्चन हम बताएंगे आपको आगे अगली वीडियो में, फिर देखा जाता है। अब ध्यान दें, अब तक कूलम्स लॉ पर बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं, तो एक बार आप रिवीजन के लिए थोड़ा सा हम बता दें, कूलम्स लॉ में क्या बताया गया कि अगर दो चार्जेस हैं Q1 और Q2 और इनको कुछ डिस्टेंस से पर रख दिया जाए R, तो यहाँ पर इनके बीच का जो फोर्स है F इज इक्वल टू स्मॉल के Q1 Q2 अपॉन R2 ये बन जाता है। और ये सब आप जानते हैं कि अगर फ्री स्पेस है तो K की वैल्यू 9×10⁻⁹ हो जाता है, उसको 1/4 ε₀ भी लिखा जाता है, और जो ε₀ है वो इलेक्ट्रिक परमिटिविटी या फ्री स्पेस है, ये सब आपको बता दिया गया है। फिलहाल यहाँ पे देखें ये क्वेश्चन है कि क्यू आवेश को किस प्रकार दो भागों में बांटकर कुछ दूरी पर रखा जाए जिससे उनके बीच का बल अधिकतम हो, तो इसका छोटा सा फार्मूला यहाँ है आपके पास कि बल अधिकतम होने के लिए प्रत्येक आवेश क्या होना चाहिए, Q/2 होना चाहिए, कैपिटल क्यू आवेश है यानी बराबर दो भागों में बंटना चाहिए। इस पर डिपेंड यहाँ पे एक क्वेश्चन है, अगर ये चीज़ आप जानते हैं तो बड़े आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 8 μC के आवेश को दो आवेशों यहाँ पे होना चाहिए, या
को Q1 Q2 दो 8 माइक्रो कूलम के आवेश को Q1 व Q2 दो आवेशों में बांटकर इन्हें r दूरी पर रखा गया, यदि इनके बीच का बल अधिकतम है तो क्लियर है कि दोनों बराबर बटेंगे, यानी आंसर क्या हो जाएगा, ये सी वाला आ जाएगा, तुरंत आंसर आ गई ये अगर आपको मालूम है। फिलहाल इसको हम लोग प्रूफ कर लेते हैं कैसे। देखो अगर ये हम मान लें कि एक आवेश Q1 है, एक आवेश क्या है Q1 है, एक आवेश हो गया Q1, तो दूसरा अपने आप हो जाएगा, आपको अच्छी तरह से मालूम है कि आवेश कैपिटल Q है, उसमें से एक Q1 है, तो दूसरा Q-Q1 हो जाएगा। अब इन दोनों चार्जेस को आर डिस्टेंस पर रख दिया, एक यहाँ पे Q1 रखा, आर डिस्टेंस पर Q-Q1 रख दिया, तो इनके बीच में जो कूलम फोर्स होगा इस माल के Q1 Q2, यहाँ पे Q1 हो गया और Q2 के जगह पे Q-Q1 हो गया अपान r2, ये फोर्स हो गया। अब यहाँ पे मालूम होना चाहिए कि फोर्स के मैक्सिमम या फिर मिनिमम होने के लिए इसका फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होना चाहिए, df/dQ1=0। मैक्सिमा मिनिमा ये आप मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे, फिलहाल बहुत सारे क्वेश्चन इस पर डिपेंड आपको मिलेंगे, तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है कि किसी भी क्वांटिटी का अधिकतम या न्यूनतम मान निकालने के लिए उसका फर्स्ट डेरिवेटिव 0 करते हैं। अब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव हमें करना है, अभी ध्यान देना। तो अब हम ये कैसे कर रहे हैं, df/dQ1, तो ये देखो dDQ1 ऑफ इस माल के और इसका मल्टीप्लाई हम कर लेते हैं, तो ये होगा Q Q1 -Q1 स्क्वायर। अब कहीं भी घबराने की जरूरत नहीं है, मैथमेटिक्स से आपको लगाव होना चाहिए और फिजिक्स आपको मालूम होना चाहिए, मैथमेटिक्स लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स की भाषा ही मैथमेटिक्स है, तो उससे जब तक लगाव नहीं होगा तब तक फिजिक्स में प्रॉब्लम आएगी। और मैथमेटिक्स ऐसा नहीं है कि कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए बना हुआ है, ये इस तरह से कहा जाए कि मैथमेटिक्स एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके सहायता से बड़े और जटिल समस्या का छोटा समाधान प्राप्त किया जाता है। तो ये किसी को भी, अगर कहीं बहुत बड़ी समस्या है, बहुत जटिल समस्या है और उसका छोटा सा समाधान निकालना है जिसको हम फार्मूला कहते हैं, तो उसे मैथमेटिक्स आना चाहिए। फिलहाल तो ये = 0। अब हम इसको डिफरेंशिएट जब करेंगे तो आपको पता है कि डिफरेंशिएशन का एक फार्मूला छोटा सा बताया गया था आपको कई बार, dx(x^n)=nx^n-1। अब इसका उपयोग अगर हम करते हैं, यह k इज कांस्टेंट, तो यहाँ पे k वैसे ही रह जाएगा जैसे है, इसके बाद आर स्क्वायर भी ऐसे ही रह जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन होना क्योंकि यहाँ पे Q1 वेरी कर रहा है, तो Q1 का 1 हो जाता है, इसलिए यहाँ पे केवल Q बचेगा और Q1 स्क्वायर का 2Q1 हो जाएगा एंड दिस इज इक्वल टू 0। K/r² 0 नहीं होगा, इसलिए Q-2Q1=0। दिस इंप्लाइज दैट Q1=Q/2। क्लियर हो गया। अब दूसरा आवेश जब हम निकालेंगे, दूसरा Q2=Q-Q1, दैट इज Q/2, दिस इज इक्वल टू Q/2। तो आपने देखा कि Q1 की वैल्यू भी Q/2 आ गई, Q2 की वैल्यू भी Q/2 आ गई, तो फोर्स मैक्सिमम होने के लिए Q1 और Q2 दोनों की वैल्यू Q/2 हो जाना चाहिए। तो इस तरह के क्वेश्चन भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, इसको बता रहे, फिर आगे हम बढ़ते हैं।